अम्मा, श्वास भी तो हमें छोड़ जाते हैं, ये क्यों भूल जाते हो तुम? किसी मानव से इतना दिल लगाना अच्छा नहीं है। दिल लगाना है तो मालिक से लगाओ, जो दिलदार है, दिलेर है, जो कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा। शायद साईनाथ द्वारका माई में आए होंगे, ये सोचकर मैं यहां द्वारका माई में आया था गुरुजी, और देखने को मिली सिर्फ जलने वाली धुनी, यही ना? पगले, ये जलने वाली धुनी अखंड जलती रहेगी और तुम सबको ये विश्वास देती रहेगी कि जिसे तुम साई बाबा कहते हो वो साई बाबा गया नहीं, शिरडी की इस द्वारिका माई में ही है। मैं कहीं भी रहूं या ना रहूं, मेरा अस्तित्व सदा ही द्वारिका माई में रहेगा और भक्तों का कल्याण करता रहेगा। इस द्वारिका माई की सीढ़ी जो भी चढ़ेगा उसके मन की मुराद पूरी होगी, और इस धुनी की उदी सदा लोगों का भला करती रहेगी। सबका मालिक ए स्वर्ग उतर आया है, लेकिन स्वर्ग कब उतरता है? जब पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास से देवता खुश हो जाते हैं, क्योंकि देवता को मालिक को उस घर का आकर्षण हो जाता है जिस घर में बच्चों की हंसी गूंजती है। उस घर पर मालिक का आशीर्वाद होता है, क्योंकि बच्चों की हंसी में मालिक की हंसी मिली होती है। जिस घर के सदस्य एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, मालिक उनका ख्याल करता है। जिस घर में माता पिता का आदर सम्मान किया जाता है, वो घर मालिक के दिल में घर कर लेता है। ऐसे घर को महल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा घर प्यार, आस्था, श्रद्धा, विश्वास से संपन्न होकर वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली होता है। सबका मालिक एक। हर पत्नी पति का भाग्य होती है, वो अपना भाग्य तो लेकर आती ही है, साथ साथ अपने पति के लिए भी शुभ लेकर आती है। पत्नी का सम्मान यानी अपने भाग्य का सम्मान, वो अभागा कहलाता है जो अपने भाग्य का सम्मान नहीं करता। अपने भाग्य को कभी रूठने नहीं देना चाहिए। भाग्य चला गया और तुम सोते रह गए तो पछताना पड़ेगा, इसलिए जागो और जागते रहो, जागते रहो। सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सोहितम मथरूठम सर्वलोकैकनाथम महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। हे सूर्यदेव, जैसे ही आपका उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है, प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और रात्रि का अंत हो जाता है, उसी तरह लोगों के मन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, लोगों के मन में कुंडली मारकर बैठे अहंकार का विनाश हो जाए। मेरी छोटी सी जिंदगी में तुम मुझे अपनी कितनी लीलाएं दिखाने वाले हो, कितनी लीलाओं में मुझे शामिल करने वाले हो,
तुम्हें तो खुशी हो रही होगी मुझे इस तरह सजा भुगतते देखकर, है ना? क्या कहना चाहते हो मालिक? क्या संकेत करना चाहते हो मालिक? तुम्हारी इस दुनिया में न सच की कोई अहमियत रही है न सच्चे की। फरार तो एक न एक दिन इस दुनिया से सभी को होना है। जो अपराधी हैं वो अपने इलाके के कानून से बचने के लिए फरार होते हैं, और भक्त भक्त भगवान की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब भगवान से मिलने की चाहत तेज हो जाती है तो उन्हें अपने आप भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। फिर मन में अहंकार की भावना नहीं रहती, और मैं मालिक हूं वो भावना भी मालिक के सामने फरार हो जाती है। सबका मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूं, अपने भक्तों का साथ देता हूं। फिर देवा, आप अचानक अपने भक्तों को छोड़कर गायब क्यों हो गए? श्यामा, तुम सभी ज्ञानी होकर अज्ञानियों की तरह बोलने लगे। शरीर को आप सब भगवान बना रहे हैं, ये जानते हुए कि एक न एक दिन मिट्टी का बना हुआ ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। नहीं बाबा, मैं भी अपने साथ ले चलिए। श्यामा, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अकेला ही आता है, और जब जाता है तब अकेला ही चला जाता है, क्योंकि यहां कोई अमर नहीं है। शकुबाई, एक ना एक दिन हर किसी को जाना ही है, इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। तुम सबको ये सत्य मानना होगा, और मेरे जाने के बाद आप में से कोई भी विचलित नहीं होगा। फिर से हमें लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, दुनिया के क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया चलती रहती है। समय पर सूर्योदय होता है और समय पर अस्त भी होता है। समय पर ही मौसम बदलते हैं, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आपको भी समय के साथ चलना चाहिए। मैं शिरडी में नहीं आया था, तब भी शिरडी का जो क्रम था वही क्रम मेरे शिरडी में आने के बाद रहा, और मैं नहीं रहूंगा तब भी ये क्रम। समय की बात चल रही है, इसलिए कहता हूं श्यामा कि समय पर ही सारी बातों का पता चलेगा, समय से पहले नहीं। बस मुझ पर विश्वास रखो। इस नश्वर शरीर का त्याग करने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों का साथ दूंगा। मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ? मेरी अस्थियां श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की दीक्षा देती रहेंगी। मैं नहीं रहूंगा फिर भी मेरी समाधि आपसे बातें करेगी, आपको करुणा देगी, और जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएंगे उनका उद्धार करती रहेगी। इसलिए मेरे जाने के बाद निराश ना होना, क्योंकि मेरी अस्थियां, मेरी समाधि, मेरे शरणागतों का, मेरे भक्तों का हमेशा कल्याण करती रहेगी। आप मेरी तरफ देखोगे तब जान जाओगे कि मैं तुम्हारी ही तरफ देख रहा हूं। सबका मालिक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी।
किसी से शत्रुता, न किसी से नफरत करो, न किसी से ईर्ष्या। अपने आप को मालिक को सौंप दो और हमेशा संतों ने कहा है, जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। काम का मतलब है आसक्ति, जहां लोभ है आसक्ति है, वहां ना शांति है न संतोष है न समाधान है। ऐसा क्यों होता है? हम अपने चंचल मन के अधीन क्यों हो जाते हैं? क्यों नाचते हैं चंचल मन के इशारों पर? चंचल मन को अपने इशारों पर क्यों नहीं नचाते? क्योंकि हमारा अपने मन पर अंकुश नहीं है, हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। अपने मन को अपने काबू में रखने के लिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, और जो मार्गदर्शन करता है उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु, गुरु हमारा तारणहार है, गुरु हमारा उद्धार करता है, हमारा मोक्ष दाता है। गुरु ही हमारे मन से आसक्ति को हटाकर हमारे मन में विवेक और वैराग्य को जगाता है। गुरु की कृपा से ही हमारा मन अहंकार शून्य होकर उस मालिक की भक्ति में लग जाता है, और फिर वो अपनी चंचलता भूलकर हमेशा मालिक को ही याद करता रहता है। फिर तो हमारा अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं रहता, हमारा शरीर भी हमारे लिए भक्ति का एक साधन बन जाता है। जो शरीर में रहने वाली अशरीरी आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता बना देता है, अपने आप को भी भूल जाने की स्थिति पैदा होती है। तब इंसान अपनी उन्नति के रास्ते पर होता है, उसे मालिक का परम धाम दिखाई देने लगता है। परंतु उसे मालिक के परम धाम तक ले जाने वाला होता है गुरु। गुरु इंसान की मां होता है, इंसान का पिता, मित्र, भाई, बहन और मालिक भी होता है। गुरु नहीं तो इंसान मगरूर है, गुरु है तो इंसान विनम्र है। गुरु के आशीर्वाद से ही मालिक की कृपा संभव है। इसलिए कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः।